आरोग्य जागृति। मैं डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी, डिप्यूटी डीन एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, MGM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद। आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे बोल के हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो एक दिन का सेलिब्रेशन ये जैसे एक रिमाइंडर रहता है। एक ही दिन हेल्दी रहना उसका ऐसा मतलब नहीं है, और हेल्दी रहने के लिए कोई एक्चुअली ऐसा सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी वे ऑफ लाइफ, एक अपने दिनचर्या का वो एक भाग होना चाहिए और उसकी आदत होनी चाहिए। वो कोई जानबूझ के करने की उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हेल्दी रहने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको फिजिकली एक्सरसाइज चाहिए, जो लोग काफ़ी फिजिकल अपना हेल्दी होना चाहिए उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए। उसके लिए समाज में बहुत जागरूकता है और बहुत सारे लोग वो करते भी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ, वो भी उतनी ही, मैं तो समझता हूँ उस फिजिकल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर ध्यान देना। तो मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक तो उसका जो इनपुट है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, तो उससे अपनी मेंटल डेवलपमेंट होती है। और उसको व्यायाम क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए व्यायाम क्या है, तो वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन से मन अपना स्ट्रांग हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, तो वो भी हमने रेगुलर करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत बड़ी वो एक गिफ्ट वो छोड़ के चले गए हैं, तो उसका हमें भरपूर यूज़ करना चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा डाइट, हम जो खाते हैं उससे ही हमारे फिजिकल हेल्थ बनती है और उससे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी बनती है। तो डाइट पे अच्छे से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हेल्दी फ्रेश फूड खाना बहुत ज़रूरी है। जितना स्टोर फूड आप खाएंगे प्रिजर्वेटिव के साथ और फ्रीज में रखा हुआ, उतना वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, इतना आप समझ लीजिए। तो और आजकल इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत बातें हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाना, तो कोई दवा लेके कोई टैबलेट लेके इम्यूनिटी कभी बढ़ती नहीं है। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग शुड बी द वे ऑफ लाइफ। हम टू डे लाइफ में जो हम अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, हम दूसरों को आनंद बांटते हैं, खुद आनंदी रहते हैं, उससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो आपको अगर सही मात्रा में आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको इट शुड बी द वे ऑफ लाइफ, वो कोई एक दिन का और एक गोली का काम नहीं है। उस तरीके से आपको जीना है तो अपनी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी, और उसे एक डिजीज़ के लिए नहीं बढ़ेगी, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें से आपको वो मदद करेगी। तो आज के इस वर्ल्ड हेल्थ डे की आपको सबको शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि जो कोरोना की महामारी आई है उससे हम और पूरा विश्व जल्दी उससे बाहर निकले। धन्यवाद। दर्शकों ने कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए? अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो यंत्रणा है, हॉस्पिटल्स है, वो अपने तरफ से बहुत कुछ कोशिश कर रहे, लेकिन उनसे जितना चाहिए उतना वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। तो अभी इसको सही मामले में अगर कंट्रोल करना है तो लोगों को खुद को अभी आगे आना पड़ेगा, उनको खुद को उनकी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन से, ना कि पुलिस को डर के और कलेक्टर को डर के। ये अपने खुद के, अपने समाज के,
अपने देश के और अपने विश्व के कल्याण के लिए हमको खुद को डिसिप्लिन होके इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होके कोरोना से जीतना है। जब तक लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते तो लोगों को क्या करना है। अभी ये तीन चीज़ें तो सबको मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, वो तो करना ही करना है। लेकिन जब भी आपको लगे कोरोना के कुछ सौम्य लक्षण दिखाई दिए, बुखार रहे, सर्दी जुकाम रहे, गले में थोड़ी खिचखिचाहट सी रहे और खांसी रहे, तो आपको तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। शायद आपको बड़ी बीमारी भी ना हो, आप बिना दवा के ठीक भी हो जाए, लेकिन टेस्ट करने से आप घर में खुद को होम आइसोलेशन में रख के बाकी लोगों को ये बीमारी बचाने से आप बचा सकते हैं, बीमारी फैलने से बचा सकते हैं। इसलिए टेस्ट करना ज़रूरी है कि एक बार टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गए तो हम फिर डट के 10 दिन घर में बैठ सकते हैं। इसलिए अगर ये बीमारी को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके, अर्ली डिटेक्शन करके लोगों को घर में बिठाए तो उसका फैलाव कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो सेकेंड वेव आ गई है उसमें उसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन पहले उतनी उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होते थे, लंग इन्वॉल्वमेंट और डेथ रेट, वो काफ़ी कम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अभी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है होने के बाद। दूसरी बात है कि अभी डॉक्टर को भी ये बीमारी अच्छे से समझ में आई है कि इसको वो बिहेव कैसे करती है, प्रोग्रेस कैसा होता है, कौन से स्टेज पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, या अभी मेडिकल साइंस को भी अच्छे से पता चला है। इसलिए अभी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो अपने, और आपको घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटी है तो अपने होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर वो होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है और आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी है, जो गवर्नमेंट की भी है और कुछ प्राइवेट डॉक्टर ने भी शुरू किए, वहाँ पे जाके अपने खुद को आइसोलेट करना चाहिए। और अगर आपको मॉडरेट और सीवियर टाइप की बीमारी है तो आपने एक अच्छे से हॉस्पिटल में जहाँ पे पूरी सुविधा हो, आईसीयू के साथ, आईसीयू के तज्ञ डॉक्टर के साथ वेंटिलेटर्स की जहाँ पे सुविधा हो, ऐसे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए। और वो पेशेंट भी अभी काफ़ी अच्छे होके घर जा रहे हैं, तो ऐसे भी नौबत आई तो डरने की कोई बात नहीं है। जितना आप पॉजिटिवली इसको फेस करेंगे उतने आपके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो रहेंगे, क्योंकि ऐसे जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं तो अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से काम करती है। आरोग्य जागृति।